हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, ब्लॉग यहीं से शुरू कर रहे हैं और अभी आए हैं प्रेमचंद रंगशाला एक्टिंग क्लास करने। तो यहाँ का सीन देखते हैं, उसके बाद से और भी। ये तो सुबह का शुरुआत है, तो अभी एक्टिंग क्लास आया है और अभी 9 बजने को है, 9 बज गया है। तो अभी एक्टिंग क्लास करते हैं, उसके बाद से आगे का सीन देखते हैं। तो गाइस, एक्टिंग क्लास हो गया है, अब चल रहे हैं पुस्तक मेला। और गाइस, पुस्तक मेला चल रहा है, जो हमारे साथ जो जो पीछे है वो सभी चल रहे हैं। तो आगे का सीन देखते हैं। तो अभी चलते हैं आगे और अभी डिसाइड कर रहे हैं कितने पास की भी जरूरत पड़ेगी तो पास वगैरह का भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो गाइस चल रहे हैं, रेडी हो गए हैं गाइस सब कोई। तो चलिए गाइस, ब्लॉग बन रहा है, इसी में आ जाएगा सब कोई। क्या हाँ हाँ ठीक, बोल रहे हैं भैया कि हमारे तरफ कैमरा नहीं घुमाने के लिए, ठीक है। भाई आएगा साइकिल से, हम लोगों के साथ ही है गाइस। भाई आ रहे हैं, तब तक हम लोग साथ में चल रहे हैं। हेलो गाइस, अभी चल रहे हैं, अभी कहाँ पे, दिनकर गोलंबर के पास है हम लोग। थैंक यू भाई, थैंक यू। बस कोशिश कर रहा हूँ ऐसा करने का। आई होप गाइस आवाज आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है तो आवाज, हाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो शायद बहुत ही बाहरी नॉइज भी बहुत सारा आ रहा है, तो इसीलिए माफ कर दीजिएगा जी। चैनल है, बताएंगे चैनल का नाम। चैनल का नाम एक्टर राजन मंदर, बताएंगे इनको चैनल का नाम भी बताएंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएगा। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, आगे चलते हैं और आगे का सीन देखते हैं गाइस। गाइस गांधी मैदान में पहुंच गए हैं और यहां आए हैं गेट नंबर 10 और यहां से पुस्तक मेला में अंदर जाते हैं, जो 1 दिसंबर से 12 दिसंबर 2023 तक है और आज है 9 तारीख। और तो चलते हैं आगे गाइस और देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है, देखने को वो सभी दिखाएंगे। तो चलो गाइस, चलो गाइस, खाना तो नहीं खाया है लेकिन तेज बोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आवाज आ, यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है। तो अभी चल रहे हैं आगे और आगे आगे क्या हम लोगों को पास करवाइएगा भैया, किधर मतलब कहाँ से पास मिलेगा, पास है आपके पास। तो गाइस हम लोग अंदर आ गए हैं। गाइस ये 12 दिसंबर तक ही है, अगर आप भी पुस्तक मेला में आना चाह रहे हैं तो यहाँ गेट के बगल में ही 20 रुपए में टिकट मिलेगा, अब लेकर एंट्री कर सकते हैं। हम लोग आए हैं, हम ग्रुप के साथ आए हैं, जो हमारे सीनियर भैया लोग यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं जो अभी देखे हैं, तो हम उन लोगों के साथ ही यहाँ हैं, तो हम लोगों को आना निःशुल्क था। और अंदर देख सकते हैं गाइस क्या खूबसूरती मेला है, और भी एक एक बात बताते हैं इसके बारे में। और यहाँ पर सिर्फ ब्लॉगिंग हो रहा है गाइस, देख सकते हैं बहुत सारा ब्लॉगर यहाँ आ चुके हैं और साथ में एक हम भी है। और गाइस यहाँ पर हम इसलिए हैं क्योंकि RBI रिजर्व बैंक का जो है हमारे सीनियर भैया लोग जो क्या इस पर नाटक करने वाले हैं, बताएंगे कि क्या फ्रॉड होती है, कैसे बचना चाहिए ग्राहक को, इसके बारे में जानकारी देंगे। सो गाइस देख सकते हैं गाइस यहाँ पर पेंटिंग वगैरह है जो सभी कोई बनाए हैं, अपना नंबर भी चिपका है और यहाँ पर प्राइज भी दिया गया है किस पेंटिंग का कितना प्राइज है, तो आप देख सकते हैं। और मज़ा भी मतलब यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा अच्छा पेंटिंग बना है। अगर आप भी अगर पेंटिंग बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भैया बैठे हैं, यहाँ पर आके बात कर सकते हैं और भी आप भी पेंटिंग बनाकर अपना पेंटिंग यहाँ पर लगा कर सेल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को पसंद आता है, जैसे कि यहाँ पर ये 9000 की पेंटिंग है और सौरभ कुमार बना है, अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे 9000 रुपये पे करके ले जा सकते हैं। और भी बहुत कुछ है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर गांधी जी का बनाया गया है जो एक बिल्कुल जाली का उपयोग किया गया है, ये राहुल पासवान जी बनवा है, राहुल पासवान जिनका नाम है वो बना है। तो गाइस अब यहाँ पर देख लिए हैं और आगे का सीन देख। गाइस आप जैसी भी बुक खोज रहे हैं यहाँ पर मिल जाएंगे और यहाँ पर हर प्रकार का बुक है,
गाइस इस पेन के बारे में बता रहे हैं, ये पेन जो है ये यूज़ करिए जब तक ये पेन चल रहा है यूज़ करिए, और पेन ख़त्म होने के बाद आप इसे मिट्टी में दबा देंगे और उससे ये यहाँ पर बीज है देख सकते हैं गाइस, इसमें से कमल का फूल निकलेगा गाइस, और इसका प्राइस है 30 रुपये, 30 रुपये ज़्यादा हो जा रहा है इसीलिए नहीं ले रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ मेरी बात रोशनी से हो रही है? जी रोशनी कुमारी दास। हाँ जी मैम, आपका बैंक बैलेंस 0 है, जल्दी से आप रिचार्ज कीजिए बैलेंस। बकवास कर रहे हैं जी, अभी ना हम बैंक से आ रहे हैं, 10,000 रुपये अपने बैंक में हम जमा किए हैं, उल्लू बना रहे हैं हमको, बुढ़वा सकते हैं क्या? अरे 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 मैम मेरी बात सुनिए, हम बिजली विभाग से बोल रहे हैं, अगर बैलेंस नहीं भरवाइएगा तो रात में लाइन काट देंगे, हाँ फिर अंधेरा में सुतिएगा। नहीं नहीं भैया, बहुत गर्मी है, रात में नहीं काटिएगा, कुछ मैनेज नहीं कर सकते हैं। नहीं मैम बात सुनिए, देखिए एक नया स्कीम ऑफर चल रहा है, 2 महीना के रिचार्ज करवाइएगा तो 2 महीना के रिचार्ज फ्री हो जाएगा। सही में? हाँ। रिचार्ज कैसे कराएंगे? जल्दी से अपना व्हाट्सएप खोलिए और उस व्हाट्सएप पे देखिए वो लिंक गया है, लिंक पे क्लिक कीजिए, देखिए रिचार्ज हो जाएगा। सही में? रुकिए करते हैं, हम अब तक करते हैं, रुकिए। हम अभी लिंक ऑन करते हैं, मैं डाल दें पैसा। अरे इका लिंक ओपन करते ही मेरा फोन कहीं नहीं काम कर रहा है, अरे नेटवर्क नहीं है क्या है? अरे कहाँ वाली? अरे मेरा पैसा कट गया साहब, और फिर 10,000 जमा कराया जाए, जीरो 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 बेकार है। कैसे हो गया? अरे ओवर एक्टिंग कैसे हो गया? अरे कुछ बताओगी कैसे, ऐसे कैसे गायब हो जाएगा? अरे ये बोला था, फोन किया था आपको, बोला लिंक भेज रहे हैं, पैसा दे देना, आपका रिचार्ज हो जाएगा, कर दिया पैसा था, पैसा कट गया मेरा। मन तो करता है मारे लेकिन बर्दाश्त कर रहे हैं। एक बार नुकसान कराइएगा। अरे माथा पे रोड़ा गिरा है, अरे दिमाग नहीं है, कोई लिंक भेज दिया उसको टच कर दिए है, अरे टच करने से क्या होता है पता है, तुम्हारा मोबाइल चल जाएगा समझो। अरे कोई भी बैंक वाला जो है वो बिजली विभाग बन गया है, तुरंत उसको कर दो, लेकिन समझो कोई भी बिजली वाला जो है विभाग से अगर कॉल करे तो रात में लाइन नहीं काटेगा, अगर खत्म भी होगा तुम्हारा पैक, तुम्हारा रिचार्ज पैक खत्म होगा तो अगली सुबह काटेगा लेकिन रात में नहीं काटेगा। और कोई भी अगर फ्रॉड बन, ये छोटा हमको बोला था कि रात में लाइन कर जाएगा, डर के मारे कर दिया, करने में कैसे रहते? हाँ बुद्धि रहेगा तो बता के अंदर खाना बना जाएगा। गाइज यहाँ पर जैसे भी आप बुक खोजना चाह रहे हैं वैसा मिल जाएगा, यहाँ पर बहुत सारा बुक है जो बहुत जो जिसके बारे में हम बहुत सारा बुक के बारे में जानते भी नहीं है, वो भी बुक है जो हमारे ज्ञान से बाहर का बुक है तो मुझे समझ नहीं आ रहा। और यहाँ आप जिस भी टॉपिक पे लेना चाह रहे हैं लाइक उपन्यास कहानी कोई भी मैनेजमेंट फील्ड से रिलेटेड बुक लेना चाह रहे हर चीज़ मिल जाएगा गाइज, तो कमाल का ये मेला है, एक बार विजिट जरूर करिए। और गाइज यहाँ पर भैया लोग भी हैं जो नाटक का कोई बुक देख रहे हैं क्या भैया? हाँ। और आप लोगों का नाटक भी देखे हैं बहुत अच्छा था, और बताइए क्या यहाँ पर कुछ खरीद रहे हैं क्या नाटक का बुक? मुझे लगा कि यहाँ पर आकर कुछ किताबें पढ़नी चाहिए जो हमारे लायक हो, क्योंकि हमें यही करना है, एक्टिंग लाइन में ही जाना है, तो देखना है कौन सी किताबें हैं जो पढ़ सकता हूँ, तो पसंद आई बली। अच्छा किताबें पढ़ने से क्या होता है ना, हमें शब्द बहुत से मिलते हैं, इसलिए किताबें पढ़ते रहना चाहिए किसी को भी, ज़रूरी नहीं कि हम लोग नहीं, हर किसी को पढ़ते रहना चाहिए। प्रेमचंद रंगशाला ज्वाइन किया है आप लोगों का जूनियर स्टूडेंट है, देखा मैंने हजू सर के ग्रुप से। हाँ जी देखा था, चलिए देखे। तो गाइस घूम बहुत लिए और थोड़ा खा लेते हैं गाइस, ऑनेस्टी बता रहे हैं अभी तो कुछ नहीं खाया है, रूम से गए थे एक्टिंग क्लास करने और उसके बाद से यहाँ भी यहाँ ही आ गए ग्रुप के सभी स्टूडेंट के साथ, तो आगे चल रहे हैं कुछ खा लिया जाए। गाइस बोला जाता है ना टैलेंट पानी की तरह होता है, कहीं भी देखिए जैसे इनको इनका उदाहरण ले सकते हैं, ये अपना यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं पुस्तक मेला में भी। अच्छा बहुत ही अच्छा है गाइज, हम जा रहे हैं यहाँ पर खा लेते हैं यहाँ पर ही।
गाइस हम तो खा कर नहीं आए थे, क्या आप खा के आए थे सत्यम जी? नहीं भैया, हम भी नहीं खा के आए थे। जैसे कि अभी देखिए ये लोग अभी खा रहे हैं, बहुत थक गए, ये सत्यम हुआ जो खा रहा है, और ये भाई तुम्हारा नाम क्या हुआ? राजन, ब्लॉगर, ये जिसका ब्लॉग का चैनल है, जिसका कैमरा मैं अभी हैंडल कर रहा हूँ। गाइस हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? लेवर लेवर हमको नहीं चाहिए, कोई भी मिल जाना चाहिए। सही बात है गाइस, कुछ भी तो नहीं खाना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। अच्छा अच्छा, करण भाई का कहना है कि अच्छा लगना चाहिए, जो खा जा खा लेना चाहिए। स्ट्रॉबेरी किसको खाना है? दे दीजिए गाइस, इतना गर्मी के कारण सर हो गया है गर्म, तो खा रहे हैं आइसक्रीम। यहाँ पे एक चीज दिखी हमको, आइसक्रीम खाते खाते एक शायरी सुनाते हैं गाइस। पुरानी होकर भी खास होती जा रही है, पुरानी होकर भी खास होती जा रही है, मोहब्बत मोहब्बत बेशर्म है जनाब, बेहिसाब होते जा रही है। हमको जो बुझाया बोल दिया गाइस, कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट में। यहाँ पे स्नैप बन रहा है लड़की गाइस, जैसा कि बताया कि यहाँ पर सभी प्रकार के बुक है, चाहे आप UPSC का बुक या SSC या कोई भी, या आप सिर्फ पढ़ना पसंद करते हैं तो वो सभी के लिए भी बुक है, या फिर कोई भी फिक्शन बुक, आप जो ऑटोबायोग्राफी जो लेना चाहोगे आप यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे सारे टाइप्स के बुक्स अवेलेबल है, सो यू गाइस कैन कम एंड जस्ट परचेज लॉट ऑफ बुक्स। यस परचेज बुक गाइस। आज पुस्तक मेला घूम लिए हैं और अब चल रहे हैं इससे आगे और रूम के तरफ ही चलेंगे। गांधी मैदान में आए हैं गाइस, अभी तो हम बाहर आ गए थे, लेकिन चलते हैं डिज्नी लैंड की तरफ भी और वहां का भी सीन देखते हैं क्या सीन है। गाइस अगर हम इतना स्पीड से चलेंगे तो वहां पहुंचते पहुंचते हम लोग शाम हो जाएगा, तो गाइस तेजी से चलते हैं, नहीं तो शाम हो जाएगा रूम पे जाते जाते। तो चलिए प्लीज तेजी से चलो गाइस, तेजी से। डिज्नी लैंड के नाम से जाना जाता है, तो यही देखने आए हैं और दिखाते हैं गाइस। यहाँ पे ब्लॉगर का भरमार है, तो गाइस ब्लॉगर यहाँ पे ज्यादातर दिख रहा है। और गाइस यहाँ पे डिज्नीलैंड का एक टिकट है 20 रुपए, तो हम लोग 7 लोग हैं, तो आगे चलते हैं, आगे का सीन देखते हैं। टिकट मिल गया दे दिया, तो गाइस टिकट मिल गया जो 20 रुपए का प्राइस है, और चलते हैं आगे। बहुत एक्साइटेड है और चल रहे हैं आगे, एकदम एकदम ऊपर आ गए हैं प्रवेश द्वार के पास और आगे चलते हैं। वो गाइस देखो कमाल का व्यू है, चल रहे अभी भी आ रहे हैं लोग, तो साथ में चलते हैं और आगे का सीन दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर उन्नी कपड़ा से भरा हुआ है बाजार, इस में चलेंगे ना, तो चल रहे हैं गाइस आगे, और आगे देख हो सके तो झूला झूलेंगे तो वो भी दिखाएंगे। झूला झूलने के लिए सभी लोग एक्साइटेड हैं, डिस्कस किए थे, तो झूला झूलना चाह रहे हैं सभी लोग, तो देखते हैं झूला झूला जाएगा। सत्यम भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ लड़कियों का सामान है, एक्चुअली में रियली में लड़कियों का सामान ही है। सही बात है गाइस, लड़कों का कोई दुख नहीं समझता वो सिर्फ। गाइस देख लिए 150 150 150 हम लोग सिर्फ देख कर जा रहे हैं, 150 150 पाओगे और कुछ नहीं पाओगे। अब यहाँ से बोल रहे पुनः पधारे, यहाँ से निकास द्वार, यहाँ इधर से और यहाँ से बाहर चल रहे हैं डिज्नी लैंड से और आगे का सीन देखते हैं। गाइस देख सकते हैं भीड़ तो गजब का है, और हम लोग घूम लिए हैं और चल रहे हैं रूम के तरफ, रूम पर चल रहे हैं। पटना के गांधी मैदान का जो पुस्तक मेला है घूम लिए हैं और बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किए। आई होप कि आप लोग भी इस ब्लॉग के साथ एंजॉय किए होंगे, तो मिलते हैं कोई नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।